मुंबईहून शिर्डीला आता फक्त 40 मिनिटात जाता येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते शिर्डीहून मुंबईला रवाना होणाऱ्या विमानाला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते शिर्डी विमानतळाचं लोकार्पण करण्यात आलं. राष्ट्रपतींच्या हस्ते शिर्डीहून मुंबईच्या दिशेने रवाना होणाऱ्या विमानाला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. आता मुंबई ते शिर्डी हा प्रवास 40 मिनिटात पार करता येणार आहे. त्यानंतर शिर्डीहून हैदराबादसाठी ही विमानसेवा आजपासूनच सुरू होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. संध्याकाळी 4:30 वाजता शिर्डीहून हैदराबादसाठी विमान झेपावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिर्डी ते मुंबई, शिर्डी ते हैदराबाद बरोबरच लवकरच शिर्डीहून दिल्ली आणि भोपाळसह अनेक शहरापर्यंत विमानसेवा सुरू होतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते साई समाधीच्या शताब्दी महोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं. हे आपलं भाग्य असल्याचं वक्तव्य राष्ट्रपतींनी केलं आहे. और मैं जानता हूं कि जब मैं आता हूं तो एक साधारण श्रद्धालु के नाते आता था. आज कुछ विशेष परिस्थितियां हैं. एक दायित्व है, उस पद की गरिमा है. लेकिन आज भी मैं अनुभव कर रहा था कि न जाने कितने यहां पर हजारों श्रद्धालु मेरे आने से उनको असुविधा हो रही है. और वो असुविधा के पीछे जो बाबा ने सिखाया था श्रद्धा और सबूरी अर्थात जो करुणा का भाव, वो आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ. लेकिन मैं उन सभी विनम्र श्रद्धालुओं से मैं चाहूँगा कि मेरे आने के कारण जो असुविधा हुई है उसको कृपया इसी नज़र से देखें कि बाबा के समारोहों का प्रारंभ आज हो रहा है और उसको प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. और उसके पूर्व ही आज मुझे शिर्डी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने का और मुंबई के लिए पहली उड़ान को रवाना करने के लिए सेरिमोनियल फ्लैगिंग करने का सौभाग्य मिला. शिर्डी में हजारों लाखों श्रद्धालु देश विदेश से वर्ष भर आते रहते हैं. एयरपोर्ट सुविधा के कारण श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में सुविधा होगी. यहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी. फिजिकल कनेक्टिविटी और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी एक दूसरे के पूरक हैं. हमारे देश में धर्म और मोक्ष के साथ साथ अर्थ को भी बराबर का महत्व दिया गया है. एयर कनेक्टिविटी से यहाँ के स्पिरिचुअल टूरिज्म उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा. इस पवित्र भूमि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अधिक प्रगति होगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इस संदर्भ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है. शिवाय आपण गेल्या 26 वर्षांपासून शिर्डीत येतो. इथे येणारा आणि राहणारा प्रत्येक जण भाग्यवान असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.